नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्य को अवश्य जानते होंगे। जी हाँ, जिनमें पहला है संसार में दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निवारण है, और चौथा है दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि बतलाया गया है, दुख का कारण है तृष्णा, यानी कि अभिलाषा, और ये अभिलाषाएं संसार में भिन्न भिन्न प्रकार से हम मनुष्यों को अपने जाल में फंसा लेती है, और इसी के कारण हम अनेकों प्रकार के दुख से घिर जाते हैं। और जैसा कि हम यह देखते हैं कि संसार के महात्मा और ज्ञानी भी इस बात को मानते हैं कि मानव जीवन में दुख होना या कष्ट आना निश्चित है, और उसके छुटकारे के भी उपाय हैं। लेकिन आज मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि दुख, चाहे जिस भी कारण से हमारे जीवन में आए, या संकट की घड़ी हमारे जीवन में जिस भी कारण से आए, और ऐसे कठिन समय में हम किस प्रकार से स्थिर रह सकते हैं। जी हाँ, किस प्रकार से हम संकट की घड़ी में हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। और इसके लिए आज भी मैं आपको परमेश्वर के उसी वचन को बतलाना चाहूँगी जिसको हमने पिछले कार्यक्रम में अध्ययन किया था, जिसको मैंने आपके साथ बांटा था, और वह वचन है रोमियो की पत्री अध्याय 12 पद 12, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहने की बात हम कर चुके हैं, और आज हम क्लेश में स्थिर रहने की बात करेंगे और उस पर हम ध्यान करेंगे। और इसके लिए दोस्तों, आज मैं आपको तीन व्यक्तित्व की गवाही देना चाहूंगी, या तीन लोगों की गवाही देना चाहूंगी। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2022 हमारे परिवार के लिए सच कहा जाए तो दुख और क्लेश से भरा महीना रहा। इस महीने में हमारे विस्तृत परिवार में से तीन जन सनातन विश्राम के लिए या सदा के लिए प्रभु में सो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस संकट की घड़ी में हम सभी को संभाला और स्थिर किया है। और मैं उन्हीं के जीवन के विषय में आपको बतलाना चाहूंगी। उनमें से सबसे पहले मेरे मौसा जी रहे, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी, और उन्होंने अपने जीवन में बाइबल अध्ययन करना, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। अपने कार्य क्षेत्र में उसके दौरान जहाँ कहीं भी वे रहे, वे अपने परिवार के साथ पारिवारिक संगति, प्रार्थना की संगति निरंतर करते रहे। अन्य जातियों के बीच में रह करके भी उन्होंने बड़ी गवाही दी अपने जीवन के द्वारा। और दोस्तों, उनके जीवन में बहुत ही कठिन कठिन परिस्थितियां आई। एक बार ऐसा हुआ कि उनके कार्य क्षेत्र में कुछ लोग उनके पास आकर के उन्हें मारने की, जान से मारने की धमकी देने लगे, और वे पूरी तैयारी के साथ उनके सामने आ खड़े हुए, और ऐसे समय में उन्होंने उनसे थोड़ा सा समय मांगा और उनके सामने वे बाइबल खोलकर पढ़ने लगे, और उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद वे सारे लोग शांतिपूर्वक वहां से चले गए। एक और घटना उनके जीवन में घटी। एक बार एक व्यक्ति की गैर हाजिरी की वजह से उन्होंने ऑफिशियल कदम उठाया, और इसकी वजह से वह व्यक्ति उन पर बहुत क्रोधित हो गया, और वह भी उन्हें जान से मारने का प्रयास करने लगा। उसने पूरी योजना बना ली, और कार्यालय के अन्य लोगों को भी इस बात का पता चला, और सबको इस बात की चिंता थी
कि वह मिंट साहब को जान से मार देगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मेरे मौसा जी जंगल के रास्ते से अपनी बाइक से होकर लौट रहे थे और वह व्यक्ति ताक में खड़ा था, और जब वो सामने आए तो उनसे उसने लिफ्ट मांगी कि मुझे भी टंकी तक छोड़ दीजिए या वहाँ तक मेरे पड़ाव तक छोड़ दीजिए। सो मेरे मौसा जी ने उनको लिफ्ट दी और वह व्यक्ति औजार के साथ उनके पीछे बैठा हुआ था और इस आश्रय में था कि जंगल पहुंचते ही उनको जान से मार डाले। और मौसा जी को भी इस बात की भनक थी, सो उन्होंने अपने मन में प्रार्थना की, परमेश्वर पिता के सामने इस बात को रखा और प्रार्थना के साथ ही साथ वे उस व्यक्ति से रास्ते भर बातचीत करते करते चले गए और जंगल कब पार हो गया इसका पता भी नहीं चला। उस व्यक्ति का पड़ाव पहुंच गया और वह व्यक्ति चुपचाप उतर गया और मौसा जी कुशलपूर्वक अपने घर को लौट आए। उसके कार्यालय के अन्य स्टाफ भी इस बात की सोच में थे कि पता नहीं आज मिंट साहब सही सलामत वापस लौटेंगे या नहीं। लेकिन यह दोस्तों, ये प्रार्थना का फल और संकट के समय में भी हम देखते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा, संभाला। और इसके साथ ही साथ अंत के समय में जो भी कि उन्हें शारीरिक तकलीफें हुई, कष्ट हुआ, लेकिन बहुत हद तक उन्हें शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिली। और जब इस संसार से विदा होने का समय आया तब उन्होंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की और अपने आप को परमेश्वर पिता के धर्म में हाथों में सौंप दिया और कुशलपूर्वक इस संसार से विदा हो गए। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी गवाही मैं बताना चाहूँगी मेरे मामा जी की। मेरे मामा जी जो कि उम्र भर उन्होंने चर्च में क्वायर की अगुवाई की, उन गीतों को गाने में कलिसिया की सहायता की अगुवाई की और बहुत सारे ऐसे गीतों को गाया जिन्हें शायद आज की पीढ़ी नहीं जानती है। और दिसंबर के महीने में जन्म पर्व के अवसर पर भी उन्होंने उन गीतों को गाया और बहुतों को सिखलाया जिन्हें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और सौभाग्य की बात रही दोस्तों कि इन दिनों जब ऑनलाइन चैट सर्विस किए जा रहे थे तो सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था और यह सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और यह उनका उनके जीवन का आखिरी योगदान था जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों को अगुवाई करता रहेगा, गीतों को गाने में, परमेश्वर की महिमा करने में लोगों को अगुवाई करता रहेगा। और तीसरी गवाही मैं अपनी मामी के विषय में बतलाना चाहूँगी। जी हाँ, जहाँ तक मुझको याद है 26 नवंबर 2021 से 22 जनवरी 2022 तक वे बहुत दुख और पीड़ा में रहीं। बहुत अधिक शारीरिक कष्ट उनको झेलना पड़ा। वे अलग अलग अस्पतालों में तकलीफों से होकर गुजरती रहीं और इलाज के दौरान भी बहुत सारे कष्ट उनको झेलने पड़े। और इसी दरमियान 5 बार मुझे उनसे मुलाकात करने का अवसर मिला और बाद में जब उनको घर लाया गया और उनके लिए प्रभु भोज का अनुष्ठान किया गया और तब मैं उनसे मिलने गई, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे गवाही देनी है, मुझे कुछ बतलाना है। मैंने उनसे पूछा, आप जो कुछ भी कहना चाहती अवश्य बतलाएं। तब उन्होंने मुझसे कहा, 30 दिन और रात मैं सो नहीं सकी लेकिन मैं प्रार्थना करती रही और जीसस मेरे सामने आकर खड़े हो गए। और जब मैंने जीसस को अपने सामने देखा तो मेरा सारा डर दूर हो गया और अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और यह बतलाते हुए वे बहुत खुश नजर आ रही थी। और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि श्वास की तकलीफ के कारण उनको फिर से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और 22 जनवरी को डॉक्टर ने कहा कि उनका कंडीशन क्रिटिकल हो गया है। सो मैं तुरंत
उनसे मिलने के लिए अस्पताल चली गई और आईसीयू में मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनसे बातचीत की। और उस वक्त भी वो बहुत जोश के साथ मुझसे बातचीत करती रहीं। अपनी तकलीफ़ों को उन्होंने मुझे बतलाया और जब मैंने प्रार्थना की, मैंने उनके देह, मन, प्राण, आत्मा सब कुछ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। क्योंकि हमें इस बात का आभास था कि अब उनको शारीरिक चंगाई नहीं मिल सकती है और मैंने इसलिए उनके लिए आत्मिक चंगाई की प्रार्थना की। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, जो स्थान आपने अपने विश्वासियों के लिए तैयार किया है उसमें प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। और मन ही मन मुझे चिंता भी हो रही थी कि पता नहीं मामी ने अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया है या नहीं, और मेरे मुख से ऐसी बातें निकल गई। लेकिन मेरे साथ ही साथ मामी ने भी आमीन कहा और मुझे थैंक यू कहा। और फिर मैंने उनसे कहा कि अब आप आराम कीजिए, और मैं वापस अपने ऑफिस चली आई। और लगभग 2 घंटे के बाद मुझे खबर आई कि वो सनातन विश्राम में चली गई हैं, वो सदा के लिए प्रभु में सो गई हैं। दोस्तों, यह धन्य मृत्यु उनके जीवन में हमने देखा। और वो अपने जीवन में उन्होंने भी बहुत सारी सेवकाई की। उनकी मृत्यु ने इस बात की गवाही दी कि बहुत सारे संस्थाओं से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए और उनकी सेवा के बारे में, उनके कर्मों के बारे में, उनके भलाई के कामों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में लोगों ने गवाही दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो भी कि दुख और संकट और मृत्यु और क्लेश हमारे जीवन के भाग हैं और हमें इनसे होकर गुजरना ही है, हम बच नहीं सकते। लेकिन हमारे लिए यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे स्थिति में हम अपने आप को कितना स्थिर रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में भी क्लेश और संकट होंगे, दुख की घड़ी आएगी। लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहूँगी और आपको यह आश्वासन देना चाहूँगी कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें और इसी से आप क्लेश में स्थिर रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप परमेश्वर के वचन में ही बने रह करके एक दृढ़ और विश्वासी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। निश्चय परमेश्वर का वचन आपको क्लेश में स्थिर रहने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। हमारी प्रार्थना सदा आपके साथ है। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।